ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न जूनियर की दूरदराज के जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नामी कपल को लोग क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंच जाता है तो इसे अपने सामने गंदे पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है, पर अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वो हैली को भी जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हैली को देखते हैं जिसका पाव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, जहां इस बार वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर वो परेशान हो जाती है। अचानक अपने चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते देखकर वो हैरान हो जाती है कि नजर रिची पर जाती है, उसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इसके पहले वो कुछ समझ पाती, कोई उसे जोरों से ऊपर खींचने शुरू कर देता है, लेकिन वे जल्दी से अपनी रस्सी को काटकर खुद को संभालती है, पर वे संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहां पर उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वह रो पड़ती है। और उसी दौरान इसे पहाड़ से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक उसका पांव एक नुकीले तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है, और वो कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहां न्यूज में इस इलाके के एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है, यहां तक कि लोग इस इलाके में किसी आशिक को देखने की दावा भी करते हैं। अब हम फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जहां हम कैरिज को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर में जा रहा होता है। अब सफर के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे बढ़ता ना देखकर वह खुद को लेट होता पाता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहां वो उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते इसको कई घंटे गुजारने पड़ेंगे। और ये सब कुछ सुनकर कैरिज परेशान होता है, वापिस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखकर वह अपनी गाड़ी को वापिस घुमाता है, जहां वो अपने लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन कट जाता है। फोन की तलाश में इसकी नजर एक गैस स्टेशन की बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां पर ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिश गाड़ी नजर आती है और इसके दरमियान से गुजरते हुए गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वाले को खबर करने की कोशिश करता है, लेकिन फूड एंड हो जाने की वजह से वह रास्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इनकार कर देता है। लेकिन तभी इसकी नजर वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, इसे सुनकर वो उसे इस रास्ते जाने की सलाह देता है। अब वो गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वो घने जंगलों से होता हुआ एक स्टेशन तक पहुंचता है, जहां इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है, पर अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है और इसकी नजर एक मरे हुए हिरण पर पड़ती है। इसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी के सामने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाती है, के दौरान गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट होता है, लेकिन कैरिज इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं, जहां वो उसका हाल पूछते हैं। अब खुद को संभालते हुए कैरिज इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही साथ वो इनसे 20 सड़क गाड़ी खड़े करने की वजह भी पूछता है, जहां फ्रैंकशन उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उसकी एक गाड़ी का टायर फट गया है। अब इनकी एक सहेली पिछले स्टेशन पर जाके कॉल करने की बात करती है, लेकिन फ्रैंकशन वहां जाने से मना करती है। सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रैंकशन इस गाड़ी की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान इनकी नजर सड़क पर मरे हुए एक नेवले पर पड़ती है। इसे देखने से लगता है कि किसी ने दरमियान से ही उसे काट कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में गाड़ियों के कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं। इसे देखकर उसे खतरे का अंदेशा होता है और वो उसे आगे बढ़ते रहने का सलाह देता है। वही फ्रैंकशन और हम इवान को देखते हैं, जिन्हें पास ही झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो इस जगह को देखता जाता है, और फ्रैंकशन इसे वहां पर ना पाकर परेशान हो जाती है, पर इसे ढूंढने इसके पीछे जाती है, जहां चलते चलते उसकी नजर इवान के जूते पर पड़ती है। और जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और उसे देखकर वह रोने लग जाती है कि तभी वो शख्स इसे पीछे से हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है।
वही बाकी लोगों को हम रोड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नज़र एक घर की तरफ जाती है। अब वह मदद मांगने के लिए इस घर की तरफ जाते हैं, लेकिन कैरिज ढेर सारी गाड़ी को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्दी इनको पता चल जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ इनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर की सफाई नहीं हुई, और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबी मिलती है। अब जैसे वो फ्रिज को खोलते हैं, इसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज के अंदर ढेर सारी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स यानी इंसानी अजा को देखते हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और पार्ट 2 के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।